अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। मैं हूँ जैन साइको गेमर, जैसे आप जानते हैं। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एक छोटी सी, सिर्फ अपना व्यू देने के लिए कि डकी, शाम और फ्रॉगी जो भी मामला हैं। यार थर्ड पार्टी जो बंदा है ना, प्लीज़ आप इसमें इन्वॉल्व मत हो, कुछ नहीं मिलने वाला। लाइक जैसे कि अब एक वीडियो आई है और उस वीडियो में मैंने देखा कि फ्रॉगी पे किसी ने हमला किया, लाइक फिज़िकली अटैक किया। तो यार देखो, ये ना, ये जो लोग हैं ना, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ठीक है, ये लोग ये हैं, ठीक है। ये डकी हो गया, शाम अदरीस हो गया, जो कोई भी है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज़ में? ये लोग आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके मामलत में मत आएं। ये सिर्फ इसका मामला है, ठीक है, उसके लिए उसकी टांग खींच ली, ठीक है, इनका ये चलता रहेगा सारी ज़िंदगी, ये लोग बाहर नहीं आने वाले, ठीक है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप, क्योंकि देखो ना, अब डिवाइड कर दिया है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में फिरका का पता ही होगा आपको, ठीक है, ऑब्वियसली पता ही होगा। तो यार मेरी रिक्वेस्ट है, ये सारा फिरका वाला मामला जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम ये नेशन को डिवाइड किया जा रहा है। जो मैं सोचता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं शायद गलत भी हूँ, शायद सही भी हूँ, लेकिन मैं जो देखता हूँ ना, मैं इतनी सी चीज़ों को नोट करता था, लाइक, और मैं एक हद तक देखता हूँ, हालांकि मैं इन मामला पर बोलता नहीं, लेकिन मैं स्पेशली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और आपको सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार, जैसे मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि यार, रोस्टिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, गलत काम का गलत नतीजा होता है, ठीक है। तो ऐसा मामला किया गया, आगे से लाजी बात है अगले ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, उसने भी फाइट बैक किया, इधर फिर दोबारा से फाइट बैक किया गया डकी भाई की तरफ से, उधर से भी सो मामला वगैरह। तो यार ये चीज़ें सिर्फ ना, ये बड़े लोगों की मामला है, ठीक है। तो यार बात सिर्फ इतनी है कि आप देखें ना, आप रोस्टिंग करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, एक तो हमारे दीन इस्लाम में इतना खूबसूरत हमारा इस्लाम है, जो कि आजकल की यंग जनरेशन इस तरफ आती नहीं है, सिर्फ वो चटपटी चीज़ों को जो से प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यार ये किसी पे कीचड़ उछालना, किसी का मजाक बनाना, चलो यार एक इंसान है ऐसा, ठीक है, लेकिन आपको कोई राइट नहीं है, किसी को भी कोई राइट नहीं है, ना डकी भाई को, ना मुझे, ना जैन को, ना किसी और को, ना शाह मदरीज को, किसी को राइट नहीं है किसी के लाइफ पे कमेंट करने का। जो जैसा कर रहा है वो अपना चट्ठा बट्टा, वो अल्लाह ताला के हवाले है, ठीक है, वो कर लेगा दूध का दूध पानी का पानी, वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो उनसे ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। एवं नहीं ये चीज़ें बनी, मुहावरे बने हुए और इस तरह के मसाले बनी हुई हैं, ठीक है। तो यार छोड़ दें इन चीज़ों को, ये रोस्टिंग वगैरह इट्स नॉट अ गुड थिंग। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि यार गाली गलौज करो एक दूसरे को, लाइक उसकी टांग खींच लो, उसको बुरा भला कह दो, और यू नो विक्ट्री, ये पीस यार ये छोड़ दो यार, लाइक मुझे अफसोस होता है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, लेकिन जितना हो सक रहा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुराई जोन सी है, उसका जो नतीजा होता है ना वो भी बुरा होता है, ठीक है। और अब आप ख़ुद देख लें कि ये मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ, जस्ट एक वीडियो प्रैंक से या फिर वीडियो रोस्टिंग से स्टार्ट हुआ, शादी कर लें या फिर फेयरनेस क्रीम, ये जो भी है, तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। आप डकी खुद रियलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। तो यार समझ नहीं आती, लाइक फेम के लिए, पैसे के लिए इस तरह करके, अब बाद में तुम्हें रियलाइज़ हुआ तो क्या फ़ायदा? चलो अच्छी बात है रियलाइज़ हुआ, बट देखो ना, आपने उन लोगों को उकसा दिया है, लाइक थर्ड पार्टी को या फोर्थ पार्टी को, वो बेचारे जाके लड़ते फिर रहे हैं उससे, आप अपने घर बैठे हो, ठीक है, बस आप मैसेज देते जा रहे हो, मुझे अफसोस है, मुझे ये है, मुझे वो है। तो यार आपका बहुत बड़ा हाथ है इस मामले में। कहते हैं ना कि जब एक बंदा लीडर हो जाए या फिर एक बंदे की फॉलोइंग हो जाए, वो लोग उसको फॉलो करते हों, तो उसका काम है कि लोगों को जो पॉजिटिव वे में और एक अच्छी तरफ लेके जाना चाहिए, ना कि इन द
सड़की भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और शाम अदी जितने भी लोग हैं यार, मत करें ऐसा, ना इस मामले को हवा दें, ना गलत साइड पे जाएं, और ये रोस्टिंग वाले मामले या फेक मामला करना छोड़ दें, ठीक है? क्योंकि आपको नहीं पता कि ये देख लो, अभी ये सिर्फ एक इतना सा जो है ना, एक ट्रेलर कह लें कि जो आपके ऊपर अटैक हुआ, शाम अदरीस के ऊपर अटैक हुआ, जिसकी वजह से भी वो आप जानते हो किस वजह से हुआ। तो यार मैं यही कहूँगा कि एज अ नेशन, एज अ मुस्लिम, सब इकट्ठे बन मिल के चलें, ठीक है? एक दूसरे को कहते हैं ना कि गलत साबित करके, या फिर एक दूसरे को बुरा भला क्या है कि आप वोट ले लेना, ठीक है, जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं हमारे, ठीक है, उसको गलत कह लिया, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। तो मत करें ऐसे यार, क्यों लोगों के साथ आप खेल रहे हो, उनकी फीलिंग्स के साथ, ठीक है? अब कल को देख लो ना, आज डकी भाई की किसी फ़ैन ने इस तरह किया शाम अदरीस के साथ, कल को उसका कोई फ़ैन जो है, या उसके फैंस, डकी भाई कभी मीटअप हो या कोई बाहर जा रहा हो, जितना अक्सर यार हम आम से बंदे हैं यार, लाइक हम कहीं पे जा रहे होंगे, ठीक है, वो आके हमें जो सा कोई उड़ा उड़ू देंगे, लाइक गन भी हो सकती है, या फिर कोई डंडे शंडे, या फिर हाथापाई वगैरह, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो जख्मी तो होंगे ना यार। ऐसी बात है कि अगर आपने ऐसे किसी ने मामले बंदे ने किया, ठीक है, अगला अगला भी कर देगा, तो ये चीज़ भी बढ़ती चली जाएगी और बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस। अगर आपको अभी एहसास हो गया है, आई एम ग्लैड, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे भाई आइंदा से फूक फूक के कदम रखोगे। सब बट जो भी है यार, अल्लाह पाक इतना फेम ना दे, इतनी दौलत ना दे कि संभाली ना जाए, ठीक है? तो बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि यार आप सब लोग अच्छा सोचें, किसी के लिए भी अच्छा सोचें अपने, और बस इन दी एंड यही कहूँगा मैं कि ये कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की, लाइक आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो यार, प्लीज़। आप अंग्रेज़ों को देख लो, ठीक है, इंडियंस को देख लो, आपस में यूं होके चलते हैं, ठीक है, उनसे कुछ सीखें ना, कि आपस में वो शामिर अब्बास स्कैम है, प्लीज़। मैंने क्या क्या अजीबो गरीब नाम करते हो यार, इस्लाम में तो हमारे ऐसे है ही नहीं, इतना प्यारा हमारा दीन है, उसमें बस जो है वो फूल जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने का कहा गया है, लेकिन यहाँ पे उल्टे सीधे नाम बिगाड़े जा रहे हैं, और उल्टे सीधे नामों से पुकारा जा रहा है एक दूसरे को। तो यार इस कम्युनिटी को जो है ना, वो मेरे भाई एक पॉजिटिव वे में आप प्रेजेंट करें, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटी मोटी थकी हुई कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को एक पॉजिटिव वे में लेके जाऊँ। बस अल्लाह पाक हदायत दे सबको, आपको भी मुझे भी, लाइक मैं भी गुनाहगार बंदा हूँ, मैं भी अक्सर अपने लाइव स्ट्रीम्स में हाइपर हो जाता हूँ, लाइक लोगों को देख देख के कि यार वो किस तरह आते हैं, आके गालियाँ गलौज करते हैं, उल्टा सीधा मामला करते हैं, एक हद तक बंदा इग्नोर करता है, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि यार बंदा कहता है ये तकलीफ़ क्या, लाइक क्या मैंने क्या किया, किया भाई क्या हुआ क्या, लाइक आई एम जस्ट प्लेइंग अ गेम ब्रो, किसी को मैंने बुरा भला नहीं कहा, लाइक जो चैट में आती है चैट पे मैं फोकस करता हूँ, जितना भी मैं वो कर सकूँ रिप्लाई, ठीक है, ये नहीं कि उसको उल्टे सीधे लफाजों से पुकारा या फिर बुरा भला कहा ना। बट फिर भी सबके लिए दुआ है मेरी यार, कि सब लोग जो है वो खुश रहें, आबाद रहें, तरक्की करें इन अ पॉजिटिव वे, और ग्रो करें इन अ पॉजिटिव वे, जो जो जितने भी पाकिस्तान गेमिंग कम्युनिटी में जो यूट्यूबर्स हैं, या फिर व्लॉगिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, स्ट्रीमर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सबके लिए दुआ है कि यार, और प्लीज़ अपनी जो लोग आपको फॉलो करते हैं उनको एक अच्छी तरफ लेके जाएं, ठीक है, ना कि बुरी तरफ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। इन दी एंड जैसे मैं कहता हूँ, अपना ख्याल रखें, दूसरे से प्यार करें, अल्लाह हाफिज़।